नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने कल कहा था कि बुल्स की वापसी हो सकती है, क्योंकि नीचे के साइड में ये सिर्फ पैनिक सेलिंग आया था जस्ट बिकॉज ऑफ HDFC और HDFC बैंक के मर्जर के बारे में। लेकिन ग्लोबल मार्केट आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में अच्छी खासी तेजी भी थी, और जैसे कि मैंने कल कहा था कि मुझे डेली चार्ट से कहीं पे भी कंफर्मेशन नहीं था सेल का, तो मैंने बोला कि बुल्स की वापसी हो सकती है, तो वो वैसे ही हुआ। बुल्स की धमाकेदार वापसी हो गई। अब धमाकेदार वापसी होने के बाद आगे क्या, रोज का एक सवाल है। तो अभी आज के चार्ट में क्या हुआ वो मैं पहले बता देता हूँ। जैसे आप देखेंगे ये कंटिन्यूस सेलिंग था, अगर ये लो के नीचे ये लो पकड़ते हैं या तो हमको ये हाई का अपवर्ड एंगल जैसे ही क्रॉस हो जाता है यहाँ पे बाय आ जाता है, और यहाँ पे जब बाय आने के बाद यही एंगल को वापस होल्ड किया जाता है। तो ऊपर के साइड में बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं आई, लेकिन निफ्टी में बहुत बढ़िया मूवमेंट आई। तो अभी बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये एंगल के बाद ये जो हाई है मेन उसका अपवर्ड एंगल को क्रॉस नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ये दिन भर उसने अटेम्प्ट किया ऊपर क्रॉस करने का, लेकिन यहाँ पे ऊपर की साइड में क्रॉस हुआ ही नहीं। तो ये बैंक निफ्टी थोड़ी सी अटकी हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी की डेली चार्ट में आप देखेंगे, डेली चार्ट में मैंने जैसे कि बताया था कि बैंक निफ्टी ने बाय दिया हुआ है, सिर्फ डाउनवर्ड एंगल का जो है सेकेंड कैंडल क्रॉस नहीं हुआ। अभी डाउनवर्ड एंगल का सेकेंड कैंडल कभी क्रॉस होने वाला है, तो हाई जैसे ही क्रॉस हो जाएगा वैसे ही सेकेंड कैंडल क्रॉस हो जाएगा। अभी सेकेंड कैंडल वापस प्रोसीजर यही शुरू होती है कि जैसे एक बार दो कैंडल करने के बाद अगर एंगल के अंदर आ जाएगा तो वापस फर्स्ट कैंडल और सेकेंड कैंडल ये प्रोसीजर शुरू हो जाती है। तो ये जो दो कैंडल हुई थी, सेकेंड कैंडल हुई थी, उसको कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। तो अभी हमको ये फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग डाउनवर्ड एंगल पे आ गया है, कल सेकेंड कैंडल का बैंक निफ्टी में भी होगा और निफ्टी में भी होगा। जैसे कि मैं निफ्टी में भी बता देता हूँ कि निफ्टी में ये जो अपवर्ड एंगल है, ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद जो अपवर्ड एंगल का अपवर्ड एंगल के ऊपर जो बाय आने वाला है, वो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे हुई थी, बाद में सेकंड कैंडल नीचे रिजेक्शन कैंडल आई, तो फर्स्ट कैंडल वापस हो गई। अभी कल सेकंड कैंडल आएगी और उसके ऊपर कंफर्मेशन आएगा। प्रोसीजर लंबी है लेकिन ये करेक्ट प्रोसीजर है, इसके बाद फिर डाउट नहीं रहता है कि ये बाय है कि नहीं। तो ऐसे ही अभी बैंक निफ्टी में एक बार ये हाई के ऊपर या कल होने वाला जो हाई है उसके ऊपर अगर मूवमेंट जाती है, तो हमको फिर एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि पीछे का जो हाई है 44,180 के आसपास का वो क्रॉस हो जाएगा और हमको 45,100 तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो इंट्राडे में हम लोग को कल के लिए 43,500 के ऊपर मोमेंटम जनरेट होगा। 760 और 980 का लेवल है, और नीचे के साइड में 43,010 और 42,890 के नीचे सेल बनेगा। अब 890 के नीचे सेल बनेगा वो यही है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर ये अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे बाय सिग्नल आया हुआ है, तो बंदूक की गोली जैसे निकली है तो वापस रिटर्न नहीं आनी चाहिए, तो वो पॉइंट तो 43,000 के आसपास आ रहा है, 43,100 के आसपास आ रहा है। लेकिन ये जो राइज है, राइज के सामने ये 43,100 एक सपोर्ट उभर के आएगा, और ये जो इसका डाउनवर्ड एंगल जो है वो एक्चुअल काम करेगा सेलिंग के लिए। वो सेलिंग का जो पॉइंट आएगा वो 42,890 आएगा। 42,890 के नीचे सीधा सेल बनेगा, वो मीडियम टर्म सेल बनेगा, फिर हमको बाइंग में नहीं रहना है। तो 42,890 दिमाग में रख के काम करना है हमको, और ऊपर की साइड में जैसे कि 43,500 के ऊपर हमको एक अच्छा मोमेंटम दिखने को मिल सकता है। निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी में रायदर बैंक निफ्टी से बहुत ज़्यादा अच्छी मूवमेंट आई। निफ्टी में आप देखेंगे क्लियर कट बाय आया, ये लो के नीचे ये लो मारा है, हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हो गया। एक बार सेकेंड कैंडल आप देखेंगे तो सेकेंड कैंडल जो है वो सेकेंड कैंडल हमेशा आप जैसे फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग आई, सेकेंड कैंडल रिजेक्शन आया, और उसके बाद जब सेकेंड कैंडल क्रॉस हो गया तो मोमेंटम जो है रिपीट रिटर्न आया नहीं,
और यही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सीधा बाय करना चाहिए 18,000। अगर आप 18,220 के ऊपर लेते हैं तो ये आपको 18,285 तक की मूवमेंट मिली। देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे ही मैंने बताया कि बंदूक की गोली छुट्टी है तो रिटर्न नहीं आते, वैसे ही हिसाब से यहाँ पे भी अच्छी मूवमेंट हमको देखने को मिली और वो मूवमेंट कंटिन्यू दिन भर होल्ड किया अबाउट दैट एंगल। तो अभी हमको कल के लिए क्या होगा, तो कल के लिए 18,330 के ऊपर हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी। अगर 18,330 के ऊपर जाता है तो 18,250 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाई कर सकते हो, क्योंकि बाइंग में ही है। सेलिंग के लिए 18,170 जब तक टूटता नहीं तब तक सेल नहीं करना है। 18,220 का सपोर्ट रहेगा, 18,067 का नीचे, 220 170 के नीचे हमको एक पॉइंट रहेगा। 18,170 जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे इसका लो का डाउनवर्ड एंगल आपको दिखेगा कि 18,170 आ रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो अपवर्ड एंगल जो है, अगर आपने यहाँ पे शिफ्ट किया तो अपवर्ड एंगल जो है 18,330 का पॉइंट आता है। तो ये जो अपवर्ड एंगल है ये जब क्रॉस हो जाएगा तो हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी और 18,430 की तरफ हमको निफ्टी जाते हुए दिखेगी। आने वाले 3-4 दिन में एक अच्छे खासे इवेंट है, अमेरिका में सीपीआई का डेटा है, इंडिया में सीपीआई का डेटा है, उसके बाद आने वाला है, उसके बाद हमको कर्नाटक इलेक्शन के एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर बाय कंफर्मेशन जब तक कंफर्म नहीं होता है तब तक आप कॉशियसली बाय करेंगे, या आपको एग्जिट पे हम जब भी हमको एग्जिट मिलेगा तभी एग्जिट करना है। अगर हम एग्जिट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग लंबे के लिए लंबे समय के लिए अटक सकते हैं। तो जैसे ही एग्जिट आ जाएगा मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जिट कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।